हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो हम डिस्कस कर रहे थे फाइनेंशियल मार्केट्स में मनी मार्केट। आज हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल मार्केट से। सो इकोनॉमी में दो तरह के फंड्स की नीड होती है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जब भी हमें शॉर्ट टर्म क्रेडिट की नीड है वो सप्लाई करता है मनी मार्केट, पर जब भी हमें लॉन्ग टर्म क्रेडिट की नीड है वो सप्लाई करता है कैपिटल मार्केट। तो शॉर्ट टर्म का टाइम पीरियड हुआ 1 day to 1 year, बट जब हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ हम मोर देन 1 year की बात करते हैं। मनी मार्केट में हमने पढ़ा कि उसे रेगुलेट करती है RBI। सो कैपिटल मार्केट को, जो कि डील करता है लॉन्ग टर्म फंड्स में, उसको रेगुलेट करता है SEBI। कैपिटल मार्केट में बोरोअर्स होते हैं सेंट्रल, स्टेट एंड म्यूनिसिपल लोकल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, एंड लेंडर्स होते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, प्रोविडेंट फंड एसोसिएशन, स्टॉक एक्सचेंज एंड कमर्शियल बैंक्स एटसेट्रा। आगे है इसकी टाइप्स। मार्केट के फर्दर दो टाइप्स हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट डील करती है फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स में। जब भी कोई कंपनी सबसे पहली बार अपने शेयर इशू करती है वो ट्रांजैक्शन डील होती है प्राइमरी मार्केट में। फॉर एग्जांपल, ए कंपनी है, वो अभी इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो जब भी वो कंपनी सबसे पहली बार अपने शेयर इशू करेगी पब्लिक को तो ये डील होगा प्राइमरी मार्केट में। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने वो शेयर खरीद लिया तो ये आया प्राइमरी मार्केट में, बट मुझे लगा कि यहाँ ग्रोथ नहीं है या ज्यादा प्रॉफिट नहीं है तो मैं उन्हें फर्दर सेल कर दूंगी अपने फ्रेंड को। तो जब मैं ये शेयर अपने फ्रेंड को सेल कर देती हूँ तो यहाँ सेकेंड टाइम ट्रांजेक्शन हो रही है, तो वो आता है सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में जब सबसे पहली बार शेयर इशू हो रहा है, एंड सेकेंडरी मार्केट में जब सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, 10th time, 15th time, जब भी ये ट्रांजेक्शन हो रही हो वो सारी ट्रांजेक्शन आएंगी सेकेंडरी मार्केट में। बेसिकली सेकेंडरी मार्केट में सारे लिस्टेड शेयर ही इश्यू होते हैं। आगे है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। इसमें आते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव्स। आज हम शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स को कंसिडर करेंगे, डेरिवेटिव्स हम अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है शेयर्स। शेयर्स के भी दो टाइप्स हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर्स को हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स रियल ओनर होते हैं कंपनी के, क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इक्विटी शेयर्स की, जैसे कि क्लेम्स टू प्रॉफिट, क्लेम ऑफ एसेट, वोटिंग राइट्स, क्योंकि इन्हें वोटिंग राइट्स हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी। दूसरी तरफ है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दी जाती है पेमेंट ऑफ डिविडेंड में एंड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, बट ये रियल ओनर नहीं होते कंपनी के, क्योंकि यहाँ इनको वोटिंग राइट्स नहीं मिले होते। तो बेसिक डिफरेंस इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स में यही है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स रियल ओनर होते हैं कंपनी के, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं होते। इक्विटी में वोटिंग राइट्स होते हैं बट प्रेफरेंस में नहीं होते। इक्विटी में डिविडेंड नहीं मिलता, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की प्रेफरेंस दी जाती है। तो नेक्स्ट है डिबेंचर्स। डिबेंचर एक यूनिट ऑफ लोन अमाउंट है। जब भी कंपनी को लोन की नीड हो, जब भी कंपनी रेज करती है लोन फ्रॉम पब्लिक, तो वो इश्यू करती है डिबेंचर्स, जहां पर मेंशन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मोड ऑफ पेमेंट ऑफ दैट इंटरेस्ट। सो अ पर्सन होल्डिंग डिबेंचर इज कॉल्ड अ डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर होता है कंपनी का, एंड डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है जो कि इश्यू होता है अंडर द सील ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है बॉन्ड। सो जब भी किसी कॉर्पोरेशन को या फिर गवर्नमेंट को मनी बोरो करना हो पब्लिक से, तो यूजुअली वो इश्यू करते हैं एंड सेल करते हैं बॉन्ड्स, एंड बोरोअर बाद में कुछ टाइम बाद प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की अमाउंट को बायर को रिटर्न कर देते हैं। सो ये होते हैं बॉन्ड्स। सो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सेम है, बट डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए होते हैं। एंड इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि बॉन्ड्स में लो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं एंड डिबेंचर्स में हाई इंटरेस्ट रेट होते हैं। बॉन्ड्स को इश्यू करती है गवर्नमेंट एजेंसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड कॉरपोरेशन, बट डिबेंचर्स को सिर्फ कंपनीज ही इश्यू करती हैं।
सो ये था हमारा टॉपिक कैपिटल मार्केट का। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।